अंडर बॉडी कोटिंग भी कर सकते हैं इस एरिया में, ये क्लीनिंग ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मतलब टायर का थ्रेड का स्टेटस क्या है, ये फुल होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों आज मैं वापस आ गया हूं फिर से और एक टेक्निकल वीडियो लेके। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा नैनो को आप रेनी सीजन में या बरसात में कैसे ड्राइव करना चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो तीनों महीना है, ये तीनों महीने में सारे इंडिया में बहुत बरसात होता है, बहुत बारिश होता है, और इस बरसात और इस बारिश में गाड़ी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ टाटा नैनो नहीं, कोई भी गाड़ी आपके पास हो तो उसका ख्याल आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। क्या ख्याल लेना पड़ता है, कैसे आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे, सारे आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप मुझे दूसरे सोशल मीडियाज में भी फॉलो कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, लिंक में इधर दे दूंगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जरूर आप बाजू में जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए, ऑल ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए जब आप बरसात में गाड़ी चलाते हैं, स्पेशली टाटा नैनो। तो पहला चीज जो हम लोग को देखना चाहिए वो है कि हमारा वाइपर ब्लेड, गाड़ी का जो वाइपर ब्लेड है वो सही तरह से काम करता कर रहा है कि नहीं। पहले तो गाड़ी को ऑन कीजिए। ये देखिए टाटा नैनो का वाइपर का जो नॉब है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए रेगुलेटर्स दिया हुआ है, तो अगर आप इसको एक बार ऊपर उठाओगे तो इसका स्पीड कम रहेगा, अगर आप थोड़ा और ऊपर उठाओगे स्पीड और बढ़ेगा, और ज्यादा ऊपर उठाओगे तो स्पीड एकदम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वाइपर ब्लेड चेक करने से साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो वाइपर का जो वॉशर फ्लूइड है उसका भी टैंक भरा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग पहले बोनेट खोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका वॉशर फ्लूइड का टंकी टाटा नैनो का, ये फुल होना चाहिए, ये टंकी फुल होना चाहिए। वाइपर का जो नॉब है इसको हम लोग आगे प्रेस करते हैं, पुल करते हैं, मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुल, इसको पुल करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे स्प्रे होगा और ये वाइपर काम करेगा। देखिए मेरे यहाँ पे इस एरिया में ये क्लीनिंग ठीक तरह से नहीं हो रहा है, मतलब वाइपर ब्लेड में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे भी मेरा ये ब्लेड एक साल से ऊपर पुराना हो चुका है, तो आपको ये वाइपर ब्लेड एवरी ईयर चेंज करना चाहिए। मेरा भी टाइम हो चुका है चेंज करने का, तो इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो इसी के कारण यहाँ पे देखिए क्लीनिंग ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए जब भी आप बरसात के मौसम में गाड़ी चलाते हो, उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है। और एक चीज जो आपको चेक करना है वो है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेब्रीज है, मतलब ये ब्लेड प्लेन नहीं है, अगर इसमें कुछ लगा हुआ है तो उसको आपको क्लीन करना है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे कुछ लगा था, इसलिए इस एरिया में ये क्लीनिंग ठीक तरह से नहीं कर रहा था। दूसरा चीज जो आपको चेक करना है वो है कि आपके एसी ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। एसी को ऑन कीजिए। एसी को जैसे आप ऑन करते हो अब देखो कि एसी का कूलिंग ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। बरसात के मौसम में गाड़ी के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, बाहर का ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहता है, गाड़ी के अंदर का ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहता है, तो उससे क्या होता है पूरे शीशे में, ये सारे जो शीशे हैं सारे में आपका फॉग जम जाता है, तो इस फॉग को हटाने के लिए आपको एसी ऑन रखना ही पड़ेगा। गाड़ी का विजिबिलिटी सही रहना चाहिए, बाहर आप सही तरह से देख पाए वही आपको इंश्योर करना है। अगर आपका विजिबिलिटी सही नहीं रहेगा, अगर आपका विंडस्क्रीन में फॉग जम जाएगा तो आप ठीक तरह से देख नहीं पाओगे, अगर आपका साइड का शीशे में फॉग हो जाएगा तो अब ये
साइड मिरर देख नहीं पाओगे। अगर आपका पीछे वाला रियर विंडशील्ड है उसमें अगर फॉग जम जाएगा तो आप पीछे से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको एसी ऑन रखना पड़ेगा। थर्ड चीज जो आपको देखना है वो है आपका वाइपर का मूवमेंट। आपका वाइपर का मूवमेंट सही तरह से हो रहा है कि नहीं। अगर आप फास्ट मूवमेंट करते हो वाइपर ठीक तरह से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका जरूरत है। क्योंकि अगर आप भारी बरसात में गाड़ी चलाओगे तो वाइपर ब्लेड आपको बहुत स्पीड में चलाना पड़ेगा। अगर आप स्पीड में नहीं चलाओगे तो आप आगे देख नहीं पाओगे। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो लाइट्स है मतलब लैंप हेडलैम्प जो है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। आपको पहले इधर से चेक करके देखना है कि ये लाइट चल रहा है कि नहीं। अगर ये लाइट जल रहा है तो आप बाहर जाके आप देखिए कि आपका चारों की चारों लाइट्स मतलब पीछे का लाइट सामने का लाइट सब ऑन है कि नहीं। देखिए ये लाइट्स काम कर रहा है कि नहीं। नीचे का फॉग लाइट काम कर रहा है कि नहीं ये भी आपको चेक करना है। अगर आपके गाड़ी में फॉग लाइट है तो पीछे का लाइट देख लीजिए। ब्रेकिंग का भी लाइट आपको चेक करना है। ब्रेक जब आप डालते हो तो ये लाइट्स ऑन हो रहा है कि नहीं ये भी आपको चेक करना है। क्योंकि बरसात के टाइम में विजिबिलिटी वैसे भी पुअर हो जाता है तो अगर आप ब्रेक डालते हो तो आपके पीछे जो गाड़ी है वो उस गाड़ी को आपका ब्रेक समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका गाड़ी दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी आप बरसात के मौसम में गाड़ी चलाते हो अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो कभी भी आप अपना हैजर्ड लाइट को ऑन मत कीजिएगा। आप हमेशा हेडलाइट है उसको आप लो बीम में ऑन करके आप गाड़ी चलाइए। मैं देखा हूं अक्सर लोग क्या करते हैं जब भारी बरसात में वो लोग ये हैजर्ड लाइट को ऑन कर देते हैं। हैजर्ड लाइट का जो उद्देश्य है या जो यूटिलिटी है वो है अगर आपका गाड़ी में कुछ फॉल्ट आ गया हो चलते चलते तो आप ये हैजर्ड लाइट ऑन करके आप आगे और पीछे का जो गाड़ी आ रहा है उस गाड़ी को आप सतर्क कर सके कि आपके गाड़ी में प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे बरसात के टाइम पे हम लोग ये हैजर्ड लाइट को ऑन कर देते हैं तो उससे क्या होता है आगे और पीछे वाला गाड़ी उन लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। आप बरसात के कारण हैजर्ड लाइट ऑन किए हो या आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमेशा आप हैजर्ड लाइट को ऑन मत कीजिए। जब आप भारी बरसात में गाड़ी चला रहे हो तो आप अपना हेडलाइट ऑन कर लीजिए, नहीं तो पार्किंग लाइट ऑन करके लो बीम में आप हेडलाइट को ऑन करके आप गाड़ी चलाओ। सामने का विजिबिलिटी आपको दिखाई देगा ठीक तरह से, आपके पीछे जो गाड़ी है उसको भी समझ में आएगा कि भाई मेरे सामने गाड़ी है। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपका टायर का थ्रेड का स्टेटस क्या है। अगर आपका टायर का थ्रेड सही है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप देखते हो कि आपका टायर का थ्रेड पूरा घिस गया है पूरा मिट गया है तो आपको टायर चेंज करना है। टायर चेंज इसीलिए करना है क्योंकि बरसात के टाइम में गाड़ी का टायर बहुत स्लिप करता है। मतलब जब आप ब्रेक डाल देते हो अगर आपका गाड़ी का टायर में थ्रेड्स नहीं है वो अगर पूरा घिस गया है तो आपका ब्रेक सही तरह से नहीं लगेगा, आपका गाड़ी स्कीड करेगा, आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। मतलब आप ब्रेक डाल रहे हो लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आपका गाड़ी ब्रेक नहीं ले रहा है, वो घिसकते जा रहा है। इसीलिए अगर आप देखते हो कि टायर का थ्रेड सही नहीं है घिस गया है तो आप इमीडिएटली टायर को बदल डालिए। और एक चीज जो आपको रखना चाहिए गाड़ी के अंदर बरसात के टाइम में ये है ये चारकोल एयर प्यूरिफायर। इसका जिक्र मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा एसेंशियल एक्सेसरीज के जो वीडियो मैंने बनाया था और वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो मैं ऊपर आई बटन इस तरफ या इस तरफ आई बटन में दे दूंगा वो लिंक उस वीडियो का। तो चारकोल प्यूरिफायर इज वेरी इफेक्टिव। इसका जो खासियत ये है ये गाड़ी के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा है कि गाड़ी के अंदर बरसात के टाइम में क्या होता है एक सीलन जैसा बदबू होता है गाड़ी के अंदर उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप इसका जो इफेक्टिवनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसका तो एक कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने का। अगर आप देखते हो कि ये चारकोल एयर प्यूरिफायर रखने से बावजूद भी आपका गाड़ी के अंदर मॉइस्चर नहीं जा रहा है हट नहीं रहा है या बदबू नहीं जा रहा है, एक डेढ़ घंटा आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इससे क्या होता है चारकोल रिचार्ज हो जाता है, फिर से ये इसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज वापस आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये चारकोल एयर प्यूरिफायर रखते हो गाड़ी के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बरसात तो क्या होता है कि ये गाड़ी के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना ये मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे क्या होगा गाड़ी के अंदर डैम्पनेस नहीं रहेगा, गाड़ी के अंदर जो बदबू रहता है वो बदबू नहीं रहेगा। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव, ये भी आप रख सकते हैं।
लास्टली आप अंडर बॉडी कोटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हूँ अंडर बॉडी कोटिंग। अंडर बॉडी कोटिंग करने का उपकारिता ये है, अंडर बॉडी कोटिंग आपका गाड़ी का रस्टिंग प्रिवेंट करता है। मैं 3M का अंडर बॉडी कोटिंग करवाया था करीब 2 साल पहले, तो आप भी करवा सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली है ये कोटिंग, लेकिन ये लोग वारंटी देता है। अगर वो कोटिंग निकल जाता है, अगर आपका गाड़ी के नीचे रस्टिंग आ जाता है, तो वो लोग फ्री में फिर से कोटिंग कर देता है रस्टिंग को हटा के। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। तो बरसात के महीने शुरू होने से पहले ही ये आप अंडर बॉडी कोटिंग करवा लीजिए, या जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आप अंडर बॉडी कोटिंग करवा लीजिए। अभी आते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हो क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, स्पेशली टाटा नैनो। देखिए, टाटा नैनो एक ऐसा गाड़ी है, बहुत ही सिंपल गाड़ी है ये। इस गाड़ी में ABS नहीं है, इस गाड़ी में EBD नहीं है, कॉर्नर स्टेबिलिटी नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में नहीं है। सेफ्टी फीचर्स बोल के इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वही एक का इसका एक सेफ्टी फीचर है। दूसरा सेफ्टी फीचर है ये जो आपका सीट बेल्ट, दिस सीट बेल्ट हैज अ प्रीटेंशन लोड लिमिटर, तो दैट इज द सेफ्टी फीचर। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा नैनो को लेके आप बरसात के टाइम में निकल नहीं सकते हो, जरूर निकल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। मैं बहुत बार निकल चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर दे दूंगा एक दो वीडियोस का लिंक, आप चेक कर सकते हैं। कुछ सावधानी आपको लेना पड़ेगा तभी आप गाड़ी को सही तरह से ड्राइव कर पाओगे और गाड़ी चलाने का आनंद आप ले पाओगे। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है वो हम आपको बताते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए जब आप टाटा नैनो को लेके ड्राइव करते हो। तो पहला चीज जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा जब आप टाटा नैनो को लेके भारी बरसात में निकल रहे हो, वो है कि आपको गाड़ी को धीरे चलाना है। अगर आप 50 km/h में चलाते हो गाड़ी, तो आपको 40 km/h में चलाना है। कभी भी आपको गाड़ी को सडन एक्सेलरेशन, सडन ब्रेकिंग नहीं करना है। जो भी करना है धीरे धीरे करना है। ब्रेकिंग आप करते हो तो धीरे धीरे करो, एक्सेलरेशन अगर आप करते हो तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करो। सेकेंडली, गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, 2 सेकंड रूल जो हम लोग बोलते हैं, उसको आपको डबल करना है। मतलब दोनों गाड़ी के बीच में जो फर्क होना चाहिए जब आप ड्राइव करते हो, वो 2 सेकंड के बजाय आप उसको 4 सेकंड या 5 सेकंड का डिस्टेंस मेंटेन करो। तो इससे क्या होगा, बरसात के टाइम में गाड़ी स्कीड होने का चांसेस बहुत रहता है। आपको पता ही है टाटा नैनो में ABS नहीं है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप ब्रेक डालते हो तो गाड़ी थोड़ा बहुत स्कीड कर सकता है, तो स्कीड करके ब्रेकिंग डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आप ब्रेकिंग डिस्टेंस को डबल कर दीजिए। 2 सेकंड रूल को अप्लाई नहीं करके आप 4 सेकंड रूल को अप्लाई कीजिए, मतलब 4 सेकंड का डिस्टेंस आप बराबर गैप आप मेंटेन कीजिए। AC को ऑन रखिए, AC हमेशा ऑन रखना चाहिए। अगर आपको ठंड लग रहा है फिर भी आपको AC को ऑन रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका शीशे पीछे जो देखिए शीशे वगैरह इसका विजिबिलिटी बरकरार रहेगा, मतलब शीशे में फॉग नहीं जमेगा। आपका पूरा फोकस रोड में होना चाहिए। रेनी सीजन में ड्राइव कर रहे हो, आपका नजर हमेशा सामने वाला शीशा मतलब आपका विंडस्क्रीन में रहना चाहिए। साइड रियर मिरर में आपका नजर रखना चाहिए, रियर मिरर में आपका नजर रखना चाहिए और लेफ्ट साइड मिरर में आपका नजर रखना चाहिए। आपका पूरा फोकस आपका गाड़ी में रहना चाहिए, रास्ते पे रहना चाहिए। आपके सामने जो गाड़ी चल रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब उस गाड़ी का नेचर आपको समझना चाहिए, मतलब उस गाड़ी किस तरह से चल रहा है, मतलब वो गाड़ी स्लोली चल रहा है। अगर वो गाड़ी स्लो चल रहा है तो आप भी अपना स्पीड कम कर दीजिए, आप भी स्लोली चलिए। अगर आप स्लो चलोगे तो आपके पीछे जो गाड़ी है वो भी स्लो चलेगा, क्योंकि वो आपको ही फॉलो करके जा रहा है। ओवर स्पीडिंग और फिजूल का ओवरटेकिंग मत कीजिए जब आप रेनी सीजन में गाड़ी चलाते हैं, स्पेशली टाटा नैनो। बहुत संभाल के बहुत प्यार से आपको गाड़ी चलाना है ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब भी आप गाड़ी चलाते हो कोई भी वाटर लॉक रास्ते के ऊपर, जब रास्ते में पानी भर जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट सामने पॉट होल्स है कि नहीं, सामने गड्ढा है कि नहीं। तो आपको अपना जो इंट्यूशन है उसके ऊपर भरोसा करके आपको गाड़ी चलाना है। आपको एज्यूम कर लेना है, मतलब आपको आपको समझना है। अगर आपको लगता है कि सामने जो रास्ता है, सामने जो पानी है, वो पानी का गहराई ज्यादा है, तो वो रास्ते को, वो पानी को आप अवॉइड कीजिए। बरसात अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके AC चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने पूरा धुंधला दिखा रहा है, तो आप
आपका गाड़ी साइड में पार्क करके खड़े रहिए, वेट कीजिए जब तक आपका मतलब वेदर सही नहीं होता है, जब तक आपका मौसम सही नहीं होता है तब तक आप वेट कीजिए, उसके बाद आप गाड़ी चलेंगे। कभी भी भारी बरसात में जहाँ पे आपका विजिबिलिटी फुल्ली ज़ीरो है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज़ आप गाड़ी मत चलाइए, आप गाड़ी को साइड कर दीजिए, वेट कीजिए, बारिश को थमने दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी चलाइए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, टाटा नैनो में आपका कॉर्नर स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब भी आप देखते हो बरसात के टाइम में सामने एक शार्प टर्न आ रहा है, तो कभी भी आप स्पीड में टर्निंग मत लीजिए, इससे क्या होगा, गाड़ी पलट कर सकता है, स्कीडिंग हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी का स्पीड कम कर दीजिए और उसके बाद ही आप टर्न लीजिए। जब आपको वाटर लॉक रास्ते से आपको निकलना पड़ेगा तो आप हमेशा गाड़ी का RPM को इंक्रीज कर दीजिए। आइडियली आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को चलाइए, स्पीड कम होगा, स्पीड ज़्यादा मत दीजिए, स्पीड कम होगा, RPM को ज़्यादा कीजिए और उस हिसाब से आप गाड़ी चलाइए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपका रास्ते का वाटर लेवल अगर आप देखते हो कि आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे ऊपर है, तो देर इज अ चांस इंजिन फ्लडिंग हो सकता है। तो इंजन फ्लडिंग को रोकने के लिए आपका गाड़ी का RPM हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि RPM लो है और वाटर अंदर घुस जाए। RPM हाई रहेगा तो क्या होगा, गाड़ी के अंदर से एक प्रेशर आएगा, एग्जॉस्ट पाइप से प्रेशर आएगा एग्जॉस्ट करने का, एग्जॉस्ट एयर को निकालने का, तो उससे क्या होगा, पानी अंदर नहीं घुसेगा। सेकेंडली, गाड़ी अगर आप फर्स्ट गियर में चलाते हो तो गाड़ी का टॉर्क ज्यादा रहेगा, से आपका गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगा, इंजन फ्लडिंग नहीं होगा, गाड़ी के इंजन के अंदर वाटर नहीं घुसेगा, और सेकेंडली आप आसानी से उस वाटर लॉक्ड एरिया से निकल पाओगे। और आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप वाटर लॉक्ड एरिया से जितना जल्दी हो सके निकालिए। कभी भी आप अपना गाड़ी वाटर लॉक्ड रास्ते में बंद मत कीजिएगा, अगर आप बंद करते हो तो इंजन फ्लडिंग हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इंजन का बर्बादी हो जाएगा। लास्टली जो आपको करना है, अगर आप देखते हो कि रास्ते के सामने बहुत पानी है, तो आपको हाइड्रोप्लानिंग करना है। हाइड्रोप्लानिंग का मतलब ये है कि कभी भी आप हाई स्पीड में वाटर लॉक्ड रास्ते से आप मत चलाइए गाड़ी, इससे क्या होगा, वाटर लेवल और गाड़ी का जो चक्का है उसके बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, गाड़ी ठीक तरह से रास्ते के ऊपर नहीं बैठेगा। अगर आप स्पीड में है तो गाड़ी पूरा ग्लाइड करके निकल जाएगा। जब भी आप देखते हैं कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा है रास्ते के ऊपर, आपको एक्सीलेटर से पैर धीरे धीरे निकल देना चाहिए, मतलब गाड़ी अपने आप चलेगा। उसके बाद आप फर्स्ट गियर में डाल दीजिए गाड़ी को और धीरे धीरे एक्सीलेट करके गाड़ी को उस वाटर लॉक्ड एरिया से अपने गाड़ी को निकालिए, तो इससे क्या होगा, वाटर स्प्लैशिंग भी नहीं होगा। तो स्प्लैश करने से एक तो आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो, सेकेंडली आप अपना गाड़ी का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि गाड़ी में हाइड्रोप्लानिंग नहीं हो रहा है, गाड़ी ग्लाइड करके जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रास्ते के ऊपर गाड़ी का चक्का बैठ नहीं रहा है, वो वाटर के ऊपर बैठ के वो ग्लाइड करके चला जा रहा है गाड़ी का चक्का। तो यू नीड टू डू प्रॉपर हाइड्रोप्लानिंग। बरसात में जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करोगे, आप देखोगे कि आपकी गाड़ी के अंडर बॉडी में या आपका गाड़ी का साइड में और डोर में बहुत सारे कीचड़, धूल, मिट्टी, स्लैश, बहुत कुछ लगा रहेगा। तो इसको साफ करने के लिए आपको जेट वॉशर यूज करना पड़ेगा। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कोई भी वॉशिंग एजेंसी या कोई भी गैराज में जाके आपका गाड़ी का अच्छी तरह से जेट वॉश कीजिए, बोथ अंडर बॉडी और अबव द बॉडी। So this is all about how to drive your beloved Tata Nano car in a rainy season, in a rainy day. अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ। आप मुझे दूसरे सोशल मीडियाज में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, लिंक मैं इधर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।